मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुसलसल बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, शाहराहों पर कीचड़ के बाद शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना। सराइकी खित्ते के इलाके फोर्ट मनरू में बर्फबारी, सफेद चादर ने पहाड़ों को ढक दिया। शहरी बर्फबारी का मजा लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए। जनूबी पंजाब में बादलों की अटकेलियां, मौसलाधार बारिश बरसी और कहीं रिमझिम ने बनाया मौसम सुहाना। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और खानीवाल समेत दीगर इलाकों में बारिश, शहरियों का बिरयानी और समोसों की दुकानों का रुख। दो दिन से बरसती रिमझिम ने कर दिया मेपको का निजाम बंद। रीजन भर में 30 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, रहीम यासान, बहावलपुर, खानेवाल और विहाड़ी समेत दीगर मुतासिर। मुल्तान के चिड़ियाघर जैसी तफरीही सहूलत से महरूम बच्चों की शेर, चीते, हाथी अपने शहर में देखने की ख्वाहिश। सिटी न्यूज नेटवर्क बन गया बच्चों की आवाज, उठा लिया बेड़ा उनका मसला अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने का। दही इलाकों की बेहतर सफाई के लिए हुकूमत का साफ देहात प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। देहातों को मॉडल विलेज में तब्दील करने के लिए होमवर्क मुकम्मल। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल बहावलपुर चौधरी अरशद घुमन का कहना है कि जल्द प्रोग्राम के तहत आगाही मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। सेहत के सहूलियात के दावे हुए ढेर। मुल्तान निस्तर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अद्वियात की कमी के साथ साथ सिटी स्कैन मशीन भी खराब, एक हफ्ते से खराब मशीन फाल ना हो सकी, मरीजों को परेशानी का सामना। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत के साथ मौसमी जुकाम भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। वायरस के सूबे में एक मरीज निस्तर अस्पताल में दाखिल, कुल मरीजों की तादाद बेहतर हो गई। उधर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में भी एक मरीज वायरस के सूबे में दाखिल। मेपको सब डिवीजन कस्बा गुजरात के अहलकारों का अनोखा कारनामा। हाई वोल्टेज की मेन तारों के दरमियान नीचे बांध दी, लटकती तारों से कोई भी हादसा रुनमा हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अहकाम नजरअंदाज। जिला काउंसिल की हदूद में मौजूद 40 वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट 3 माह बाद भी गैर फाल, लाखों की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम। पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का सोशल वेलफेयर के खिलाफ बहावलपुर में एहतजाज। सर्टिफिकेट पर नौकरी के लिए अहल करार ना देने पर नाबीना अफराद का मुजाहरा, अरबाब इख्तियार से नोटिस का मुतालबा। रहीम यारसान में मौतल मेपको अहलकारों की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिजली की सहूलतकारी पर बरतरफी के खिलाफ मेपको अहलकारों की तीसरे रोज की हड़ताल। चीफ एग्जीक्यूटिव मेपको चौधरी मोहम्मद इकराम ने बिजली चोरी की सहूलतकारी पर 10 अहलकारों को मुअत्तल किया था। बहावलपुर इंतजामिया का 5 फरवरी को कश्मीर डे के हवाले से तमाम तालीमी और सरकारी इदारे बंद रखने का फैसला। कमिश्नर की जानिब से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती आराइया के एक ही बिरादरी के 95 अफराद कुव्वत समाज और गोयाई से महरूम। इशारों की जुबान में बातें करते ये अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। डेरा गाजी खान में मेपको की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, सदर और गुजाई के इलाकों से 4 बिजली चोर पकड़े गए। मुफ्ती अब्दुल कवि की एक और वीडियो पेश। मुल्तान में शादी की तकरीब के दौरान मुफ्ती साहब का निराला अंदाज। सिंगर नादिया पर पैसे लुटाते रहे, तकरीब में लुत्फ अंदोज होकर झूम उठे।
मुल्तान के हल्का पीपी 218 के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार फाइनल, साबिक उम्मीदवार अब्बास शाह के भाई अरशद राम मुंतखब। डिप्टी कमिश्नर डेरा काजी खान मियां मोहम्मद इकबाल मजर महार का बारिश के बाद शहर का दौरा, बरसाती पानी की निकासी और ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। टीचिंग अस्पताल इमरजेंसी की ताजीनो अराइज और सीएम स्ट्रीट की कंस्ट्रक्शन का भी जायजा लिया। चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियों में तेजी, बहावलपुर के मुख्तलिफ महकमे मुतहरिक। लोकल गवर्नमेंट ने चोलिस्तान जीप रैली के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी। उधर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अब्बास करीम यूसुफ का चोलिस्तान का दौरा, ट्रैक और इंतजामात का जायजा लिया। बहावलपुर पुलिस लाइंस में वायरलेस ट्रेनिंग ऑपरेटर्स की पासिंग आउट तकरीब, आरपीओ इमरान महमूद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट पंजाब के एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर फैसल वसूद का राजनपुर में फिल्टर क्लिनिक का दौरा, मरीजों से मिलने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अहमदपुर चरखिया के एमएनए मखतूम समीउल हसन गिलानी की सालगिरह, दोस्त अहबाब और सियासी हलके की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में 7वीं सालाना सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद, प्रोफेसर डॉक्टर फाजा फयाज की खसूसी शिरकत, तलबा की भी बड़ी तादाद में शिरकत। नोरालई धमाके में शहीद होने वाले हवालदार जावेद इकबाल की नमाज जनाजा तोंसा शरीफ में अदा, पुलिस अहलकारों समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। बिहाड़ी के सपूत शहीद सरफराज अहमद की आज 10वीं बरसी, दहशत गर्दों के इरादों को तहे खाक मिलाते हुए तवाफ में जामे शहादत नोश किया। सर सब्ज रुस्तम में पाकिस्तान दंगल, कल बहावलपुर ड्रिंक स्टेडियम में होगा दंगल के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। उधर मुल्तान के हामिद खान पहलवान सेमीफाइनल में जीत के लिए पुरअज़म। और महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर मियांवाली के जरिए तमाम खानदानी मंसूबा बंदी बारे सेमिनार, सूबाई वजीर महबूद आबादी कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, मुकर्रीन की शिरकत को मंसूबा बंदी करने बारे आगाही। दो दिन से बरसते रिमझिम ने मैपको तकसीम का सिस्टम को बंद कर दिया। बारिश के बायस मैपको के रीजन भर में 30 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुतासिर होने वाले फीडर्स में ज्यादातर नवाही इलाका जात के फीडर्स शामिल हैं। आपको बताएं कि दो दिन से पाकिस्तान भर में बारिशें जारी हैं, जनूबी पंजाब में भी ये बारिशें हो रही हैं और मैपको को भी मुतासिर कर दिया है। हमेशा की तरह बारिश ने मैपको को मायूस नहीं किया बल्कि इस बार भी फीडर्स ट्रिप करके गए हैं और 30 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। जबकि अगर कहा जाए कि मैपको हुकाम क्या कहते हैं तो उनका ये कहना है कि जब तक बारिश हो रही है हम किसी फीडर पर हाथ नहीं रखेंगे, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और बिजली की बहाली के लिए मैपको टीमें स्टैंड बाय हैं और बारिशें रुकने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब तक बारिश नहीं रुकती कोई काम नहीं होगा, जहां बिजली मुअत्तल है वहां मुअत्तल रहेगी। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर मैपको हुकाम के दावों की कलई खुल गई। दो दिन से बरसते रिमझिम ने मुल्तान में मैपको तकसीम का सिस्टम को बंद कर दिया। बारिश के बायस मैपको के रीजन भर में 30 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए और मुतासिर होने वाले फीडर्स में ज्यादातर नवाही इलाका जात के फीडर्स शामिल हैं। बारिश के बायस मुल्तान सर्कल के 10, रहीम यार खान के 4, बहावलपुर के 4, खानेवाल के 4, बिहाड़ी के 6 फीडर्स मुतासिर हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, बारिश हो रही है दो दिन से और मूसलाधार बारिश हो रही है। मुल्तान में ये बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है और मैपको का सिस्टम तबाह हो गया है।
इसी हवाले से मजीद भी बात करें, आपको बताएं कि मुल्तान में थोड़ी सी बारिश मेपको का सिस्टम जवाब दे गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की कल शाम 4 बजे से बिजली बंद है। बिजली बंद होने से दफ्तर काम मुतासर हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि मुल्तान में थोड़ी सी बारिश मेपको का सिस्टम जवाब दे गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की कल शाम 4 बजे से बिजली बंद है। बिजली बंद होने की वजह से दफ्तरी काम भी मुतासर हो गए और आने वाले साइलीन को भी परेशानी का सामना है, मुलाजमीन भी परेशान है। थोड़ी सी बारिश हुई, मेपको हुकाम का सिस्टम जो है वो जवाब दे गया और लाइट जो है वो चली गई। कल शाम 4 बजे से बिजली बंद है। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मनासिर हैं जहां पर कल शाम चार बजे से ये बिजली बंद है। जरा सी बारिश हुई और मेपको का सारा सिस्टम ठप हो गया, बैठ गया और 30 से ज्यादा फीडर्स, आपको इससे पहले बताया कि ट्रिप कर गए हैं और उन्हीं में जो असर हुआ है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर भी हो गया है। ये मनासिर भी देखे जा सकते हैं जहां पर साइलीन भी मौजूद है लेकिन लाइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तमाम काम रुका हुआ है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की बंदिश के बायस ट्रांसपोर्टर्स को रूट परमिट जारी करने का काम भी रोक दिया गया। दफ्तरी अमला भी बिजली की बंदिश के बायस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मुल्तान की सूरत हाल है जहां पर थोड़ी सी बारिश ने मेपको के सिस्टम को खराब कर दिया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की कल शाम 4 बजे से बिजली बंद है। बिजली बंद होने की वजह से दफ्तरी काम भी मुतासिर हो गए।